पत्रकारों पर लगातार हो रहे हमले, विपक्ष और पक्ष नेताओं ने साझी चुप्पी। देश का चौथा स्तंभ सरकार और नेताओं का आगे हुआ बेदम। निर्भीक पत्रकार संघ ने सौंपा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन। देश के चार स्तंभों में से चौथा स्तंभ पत्रकारिता है, जो कि शासन, प्रशासन, नेता, आम जनता की आवाज़ को हमेशा बुलंद करता रहा है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से चौथे स्तंभ को बेदम बनाने का प्रयास शासन के नौकरशाहों के द्वारा और सत्ताधारी नेताओं के द्वारा करने का प्रयास किया जा रहा है। पिछले दिनों भोपाल में 3 पत्रकारों पर दबाव बनाते हुए FIR कराने की कोशिश की गई, तो वहीं गुना जिले की आरोन में एक कवरेज करने गए पत्रकारों पर भी इसी तरह की घटना घटित हुई और पत्रकारों के साथ मारपीट ही नहीं की गई बल्कि उनके खिलाफ FIR दर्ज करा दी गई। इसी प्रकार मध्य प्रदेश के सीधी जिले में भारतीय जनता पार्टी के विधायक केदारनाथ शुक्ला के दबाव में आकर सीधी के पत्रकारों पर बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया गया, जिनको अर्धनंग कर उनके फोटो खींचकर वायरल कर दिए गए, जो कि निंदनीय पूर्ण व्यवहार किया गया है। वह भी इसलिए कि विधायक केदारनाथ शुक्ला और उनके बेटे के खिलाफ खबर प्रकाशित की गई। यदि नेता दूध के धुले हैं और भ्रष्टाचारी नहीं हैं और अपने क्षेत्र की जनता के लिए लगातार ईमानदारी से निष्पक्ष तरीके से काम करते हैं, तो फिर विधायक कांग्रेस के हो या भाजपा के हो, फिर किसी भी पार्टी के हैं, तो ये नौबत क्यों आती है कि उनके खिलाफ पत्रकारों को लिखना पड़े। इसी तरह पत्रकारों पर और भी ऐसे कई मामले हैं, जो कि पत्रकार साथियों को नेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ खबर चलाए जाने पर दबाव बनाते हुए बिना सोचे समझे, बिना जांच किए कार्रवाई कर दी जाती है और की भी जा रही है, जिसका निर्भीक पत्रकार संघ गुना विरोध करते हुए घोर निंदा करता है। आज पत्रकारों के ऊपर किए गए हमलों के खिलाफ निर्भीक पत्रकार संघ गुना के राहुल चौरसिया, योगेश शर्मा, जाहिद खान, सोनू श्रीवास्तव, राजेश माथुर, प्रदीप चंदेल, लोकेंद्र ठाकुर, समीर सोनी सहित कई पत्रकारों के संयुक्त नेतृत्व में एक ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम डिप्टी कलेक्टर RV सिंडोस्कर को दिया गया, जिसमें विधायक केदारनाथ शुक्ला की विधानसभा की सदस्यता समाप्त कर उनके ऊपर प्रकरण दर्ज किया जाए। पत्रकारों के साथ सीधी पुलिस ने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकारों को अर्धनंग किया है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए बर्खास्त किया जाए। साथ ही भविष्य में किसी भी पत्रकार के साथ इस तरह की घटना घटित होती है तो निर्भीक पत्रकार संघ शासन के खिलाफ शासन के और प्रशासन की खबरों का बहिष्कार करेगा। साथ ही पत्रकारों को उनके कर्म अनुसार स्वतंत्र रूप से कार्य करने में किसी भी प्रकार की दखलंदाजी शासन प्रशासन द्वारा ना की जाए। इस अवसर पर बड़ी संख्या में गुना निर्मित पत्रकार संघ के पत्रकार साथी उपस्थित रहे। गुना से सोनू श्रीवास्तव की रिपोर्ट। पत्रकारों के ऊपर FIR कर दी गई। पत्रकार काम करेंगे कैसे? पत्रकारों के काम करने के लिए स्वतंत्रता दी जाए और इस तरीके के जो शिवराज सिंह जी तमाम सारे काम कर रहे हैं और काम करने के बाद में जो चौथा स्तंभ है उसके विषय में कोई सोच ही नहीं रहा ना भाई। तो हमारा गुना जो निर्भीक पत्रकार संघ है उनका आज ये मांग है कि जिस तरीके से घटना की गई है उसके ऊपर सबसे पहले तो विधायक की सदस्यता रद्द की जाए और इसके बाद में जिन लोगों ने उसके ऊपर जो कार्रवाई की है पुलिस डिपार्टमेंट ने उनको सस्पेंड किया जाए। सस्पेंड ही नहीं किया जाए, बर्खास्त किया जाए। ऐसा किया जाए जिससे कि पत्रकारों के ऊपर कोई भी एक आवाज़ उठाने से पहले 4 बार सोचे, क्योंकि पत्रकार लोग बिल्कुल निस्वार्थ भाव से काम करते हैं। इससे किसी का कोई लेना नहीं होता। मैं योगेंद्र शर्मा, गुना जिला बीरुचि। आज हम यहाँ मध्य प्रदेश के सीधी जिले में जो पत्रकार साथियों के साथ में अकृत्य घटना हुई है, वहाँ के मौजूदा विधायक के इशारे पे वहाँ पुलिस प्रशासन ने जो उनको नग्न करने की जो गुस्ताखी की है उसके खिलाफ में गुना जिले के पत्रकार साथी निर्भीक संघ जो पत्रकार ग्रुप यहाँ हैं उसके माध्यम से हम गुना कलेक्टर महोदय को आवेदन देने आए मुख्यमंत्री राज्यपाल महोदय के नाम पर, जिससे हम ये मांग करते हैं कि दोषियों को तुरंत अपनी सेवा से बर्खास्त किया जाए, दोषी पुलिस वालों को, और वहाँ तत्कालीन जो SP साहब हैं पुलिस अधीक्षक महोदय हैं उनको उच्च स्तरीय जाँच बिठाई जाए और जो विधायक महोदय हैं उनके ऊपर जो उन्होंने पुलिस पे दबाव बनाकर पत्रकार साथियों के ऊपर जो अमर्यादित कृत्य करवाया है उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो, उनके और उनके पुत्र के ऊपर भी FIR दर्ज हो। हम शासन और प्रशासन से गुना जिले के समस्त पत्रकार भाइयों के माध्यम से ये मांग करते हैं, अगर ये मांग पूरी नहीं हुई तो इसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा देखने मिलेगी आने वाले समय में।